गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और यूनिट आपके फर्स्ट है। यह रिवीजन वर्क है, यानी कि दौरान कार्य चल रहा है। वापस मैंने आपके 3 यूनिट कंप्लीट करवा दी है और 3 यूनिट कंप्लीट करवाने के बाद वापस रिवीजन वर्क में मैं यूनिट फर्स्ट लेकर आपके लिए आई हूँ। तो फर्स्ट यूनिट है वित्तीय लेखांकन में पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक, यानी कि फर्स्ट यूनिट है रिवीजन वर्क में आपकी वित्तीय लेखांकन में पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक, जिसमें वित्तीय लेखांकन का पाठ्यक्रम ये आपका टॉपिक है और सब टॉपिक है पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा। पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा, तो वित्तीय लेखांकन शिक्षण में कहने का मतलब ये है कि एक सुनियोजित पठन और पाठन की सुनियोजित व्यवस्था पाठ्यक्रम कहलाती है। पहले तो ये देख लीजिएगा कि पठन एवं पाठन की सुनियोजित व्यवस्था पाठ्यक्रम कहलाती है। यानी कि पढ़ने और पढ़ाने की एक सुनियोजित व्यवस्था, सुनियोजित योजना, एक जो योजना बनाकर पढ़ने और पढ़ाने की क्रिया की जाती है, व्यवस्था की जाती है, वो पाठ्यक्रम कहलाती है। साथ में ये है कि वाणिज्य के विद्वानों ने सामाजिक शास्त्र की संज्ञा दी, यानी कि वाणिज्य को विद्वानों ने सामाजिक शास्त्र की संज्ञा दी है। विद्वानों ने कहा है कि सामाजिक शास्त्र वाणिज्य, यानी कि वाणिज्य को सामाजिक शास्त्र कहा है। साथ ही वित्तीय लेखांकन वाणिज्य विषय की एक शाखा है, यानी कि वित्तीय लेखांकन क्या है, वाणिज्य विषय की शाखा है, और वाणिज्य को विद्वानों के द्वारा सामाजिक शास्त्र की संज्ञा दी गई है। साथ ही मनोवैज्ञानिक तथ्य है, यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है कि सामाजिक शास्त्र के समस्त उद्देश्य पूरे होने में, यानी कि सामाजिक शास्त्र के जो सभी उद्देश्य हैं उन्हें पूरे होने से, यानी कि उनको पूरा करने के लिए वे उद्देश्यपूर्ण माने जाते हैं। यानी कि सामाजिक शास्त्र के उद्देश्य पूर्ण हों इसके लिए उद्देश्यपूर्ण माने जाते हैं। और इसी संदर्भ में वित्तीय लेखांकन के कुछ अपने उद्देश्य होते हैं और वित्तीय लेखांकन शिक्षण का उद्देश्य इन लक्ष्यों को की प्राप्ति करना होता है। यानी कि वित्तीय लेखांकन शिक्षण का उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति करना, यानी कि योजना बनाकर पढ़ने और पढ़ाने की क्रिया को सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करना, यही पाठ्यक्रम होता है। और साथ में यह है कि पाठ्यक्रम के अभाव में यदि पढ़ने और पढ़ाने की सुनियोजित व्यवस्था नहीं होगी और उसके अभाव में पाठ्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने नहीं किया जा सकता। इसलिए पाठ्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है, सुनियोजित व्यवस्था बनाकर पाठ्यक्रम को पढ़ने और पढ़ाने योग्य बनाया जा सकता है। देखिएगा पाठ्यक्रम का अर्थ है करिकुलम पाठ्यक्रम शब्द लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेट से बना है जिसका अर्थ, यानी कि करिकुलम शब्द जो पाठ्यक्रम का ही दूसरा नाम है, करिकुलम पाठ्यक्रम शब्द लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेट से बना है और करिकुलम शब्द ही पाठ्यक्रम का दूसरा नाम है। साथ ही इसमें स्पर्धा एवं लक्ष्य सिद्धि का भाव निहित होता है और साथ में ही बही खाता विषय का जो पाठ्यक्रम होता है, इसका अर्थ यह है, यानी कि बही खाता विषय का पाठ्यक्रम और बही खाता विषय का छात्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। तो देखिएगा करिकुलम पाठ्यक्रम शब्द लैटिन भाषा के क्यूरेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ दौड़ का मैदान होता है
का अर्थ दौड़ का मैदान होता है, जिसका अर्थ दौड़ का मैदान होता है। यानी कि करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेट से बना है, जिसका अर्थ दौड़ का मैदान होता है। करिकुलम को हम पाठ्यक्रम भी कहते हैं। इसमें स्पर्धा और लक्ष्य सिद्धि का भाव निहित होता है। साथ में बही खाता विषय का जो पाठ्यक्रम है, वह छात्र अपने पाठ्यक्रम को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाते हैं, यानी कि दौड़ के मैदान के रूप में इसका अर्थ छिपा हुआ होता है। साथ में इसकी परिभाषा देखिएगा, परिभाषा देखिएगा, परिभाषा से और अच्छे से समझ में आएगा। परिभाषा, परिभाषा, परिभाषा है फ्रोबेल के अनुसार, फ्रोबेल के, फ्रोबेल के अनुसार परिभाषा है फ्रोबेल के अनुसार, फ्रोबेल के अनुसार है पाठ्यक्रम को, पाठ्यक्रम को, पाठ्यक्रम को मानव जाति के, पाठ्यक्रम को मानव जाति के, मानव जाति के संपूर्ण, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव, ज्ञान और अनुभव, मानव जाति के ज्ञान और अनुभव, ज्ञान और अनुभव का, ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए, सार समझा जाना चाहिए, सार समझा जाना चाहिए। फ्रोबेल ने डेफिनेशन दी है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति का, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का, यानी कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को संपूर्ण मानव जाति का, संपूर्ण मानव जाति का ज्ञान, यानी कि संपूर्ण मानव जाति का ज्ञान प्राप्त किया, अनुभव को प्राप्त किया, और ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार सेकंड डेफिनेशन है, क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार सेकंड डेफिनेशन देखिएगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार पाठ्यक्रम विद्यालय के, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम विद्यालय के, पाठ्यक्रम विद्यालय के, पाठ्यक्रम विद्यालय के संपूर्ण जीवन का, पाठ्यक्रम विद्यालय के संपूर्ण जीवन का, संपूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है, पाठ्यक्रम विद्यालय के संपूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि पाठ्यक्रम विद्यालय के, विद्यालय में बालक जब प्रवेश लेता है तो वो जिस कक्षा कक्ष में पढ़ता है, उस कक्षा कक्ष में, उस कक्षा कक्ष का पाठ्यक्रम ही उसके जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। साथ में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कंघीनम के अनुसार, यानी कि कंघीनम के अनुसार जो डेफिनेशन है वो आप सबको मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दिए, लेकिन फिर भी आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम का अर्थ करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के क्यूरेट शब्द से बना है, यानी कि लैटिन भाषा के क्यूरेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। यानी कि वित्तीय लेखांकन विषय का जो छात्र है वो अपने विषय को प्राप्त करने के लिए, अपने विषय के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए दौड़ लगाता है। इस प्रकार से आपका अर्थ और परिभाषा कंप्लीट हुई। नमस्कार।